बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूनिट नंबर 12, उसके हम एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए जी, पहले पढ़ते हैं द वेव दैट हैव मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर टू ट्रीट ट्यूमर्स आर। अच्छा जी, कौन सी वेव है जिनके पास मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर है? पेनिट्रेटिंग पावर से मुराद क्या है, यानी कि ये आपकी बॉडी के अंदर घुस जाएंगी, किसी भी चीज़ के अंदर अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाएंगी, उसके आर पार चली जाएंगी। तो ट्रीट ट्यूमर्स, ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए तो कौन सी वेव्स हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, गामा रेज या रेडियो वेव्स। तो याद रखिएगा, गामा रेज आपके पास यूज़ होती हैं ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यूज इन रेडियोथेरेपी टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स आर। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं आपके पास जो कि आपके पास रेडियोथेरेपी में यूज़ होती हैं कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए? तो वो आपके पास कौन सी, इंफ्रारेड हैं, विजिबल हैं, एक्सरेज हैं या अल्ट्रावायलेट रेज हैं? तो याद रखिएगा, कोई एक्सरेज जो होती है वो आपके पास कैंसर सेल्स को किल करने के लिए यूज़ होती है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डायमंड इस। अच्छा जी, ये डायमंड में आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है? वेयर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 2.5। अच्छा जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपके पास क्वेश्चन है, वैसे इस चैप्टर में नहीं है, आगे आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू सी ओवर वी। एन क्या है आपके पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, वी क्या है आपके पास, जो डायमंड की आपके पास उन्होंने वो दिया है, डायमंड की वेलोसिटी हमें जो निकालनी है, ठीक है। तो अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है, एन 2.5 है, और सी क्या है, 3 × 10^8 स्पीड ऑफ लाइट, आप सबको पता है ना। अब मुझे क्या चाहिए, वी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, वी को मैं उधर ले जाऊँगा, एन को इधर ले आऊँगा, कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर लूँगा। तो जब हम इसको कैलकुलेटर उठाइए, डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए 1.2 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पढ़ते हैं द ग्रुप कंटेनिंग ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस। अच्छा जी, वो ग्रुप बताएं जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों। अब देखें, ऑप्शन ए है लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। बिल्कुल सही है, लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, रेडियो वेव्स भी, माइक्रोवेव्स भी। ऑप्शन बी पढ़ते हैं लाइट वेव, रेडियो वेव, साउंड वेव। देखिए, साउंड वेव्स क्या है, मैकेनिकल वेव्स है। आपने पढ़ा था ना साउंड के चैप्टर में, किसी किस वेव्स को मीडियम रिक्वायर्ड है, किसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये मैकेनिकल वेव्स है ना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में भी साउंड लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में भी साउंड है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। नेक्स्ट पढ़ते हैं द लिस्ट दैट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ एन इंक्रीजिंग वेवलेंथ इस। अच्छा जी, क्या पूछ रहे हैं आपसे, वो लिस्ट पूछ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जिसमें इंक्रीजिंग वेवलेंथ हो, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही हो। देखिए, आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, या तो पूछ लेंगे इंक्रीजिंग एनर्जी वाले बता दें, या पूछ लेंगे इंक्रीजिंग वेवलेंथ वाले बता दें। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन है माइक्रोवेव, एक्सरेज, गामा रेज। अच्छा जी, यहाँ पे ना सॉरी, सबसे ज़्यादा माइक्रोवेव्स की होती है वेवलेंथ, तो ये तो उल्टा चल रहा है ऑर्डर, ये सही नहीं आ रहा, बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ी आ रही है। माइक्रोवेव्स की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद फिर क्या नाम है हमारे पास, एक्सरेज की होती है, फिर गामा रेज की। तो ये तो सही नहीं आ रहा, इंक्रीजिंग मतलब कि छोटे से बड़े में जाना है, हमें इस ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी में देखते हैं माइक्रोवेव्स हैं, ये भी वही सबसे बड़ा ऑर्डर यहीं पर ही आ गया। ऑप्शन सी में देखते हैं एक्सरेज, अच्छा हाँ, ये देखते हैं, फिर आ रहा है गामा रेज, गामा रेज नहीं आएगा क्योंकि गामा रेज की एक्सरेज से कम है वेवलेंथ। उसके बाद ऑप्शन डी में देखते हैं गामा रेज की सबसे कम है, उससे ज़्यादा एक्सरेज की है, और उससे भी ज़्यादा माइक्रोवेव्स की। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज इन सिक्योरिटी स्कैनर्स एट नाइट इज। अच्छा जी, सिक्योरिटी स्कैनर्स क्या है, जैसे आपके कैमरे लगे होते हैं रात को रोड्स पर, कैमरे के अंदर देखोगे आपने डॉट 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 होते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें से इंफ्रारेड लाइट निकलती है, उस लाइट की मदद से क्या होता है, अंधेरे में भी देखा जा सकता है कि रात के वक्त अगर कोई वारदात वगैरह हुई तो उस चीज़ को देखना, कोई भी क्रिमिनल केस हुआ तो उस चीज़ के लिए वो कैमरा यूज़ होता है। तो उसमें कौन सी आपके पास रेज मतलब कि यूज़ होती है, तो इंफ्रारेड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट पासिस फ्रॉम एयर इन टू द ग्लास एंड इज रिफ्रैक्टेड, द वेव करेक्टरिस्टिक्स रिमेन अनचेंज इन इट्स। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि एक नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट है पासिस फ्रॉम एयर इन टू द ग्लास, एक ग्लास है
जैसे मैंने यहाँ पे बनाई, ये एक ग्लास है, इसमें से एक लाइट की नैरो बीम आ रही है, एक मतलब कि लाइट आ रही है उसकी, एक मतलब कि लाइन आ रही है, ठीक है, सिंपल अगर हम बात करें एक लाइन आ रही है। कह रही है कि गिलास से वो जब जैसी टकराएगी वो रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्रैक्ट हो गई, मतलब कि उस बेंड हो गई ना, लाइट रिफ्रैक्ट होगी तो बेंड होगी। ऐसे पूछ रहे हैं इसमें आपके पास कौन सी चीज़ चेंज रही होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। देखिए डायरेक्शन तो चेंज हुई ना, पहले यूँ सीधा जा रही थी तो ये थोड़ी सी चेंज हो गई, और ऑप्शन बी में फ्रीक्वेंसी, तो ये याद रखा फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, स्पीड भी चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी उसकी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द टाइप ऑफ वेव दैट आर यूज इन द टेलीविजन रिमोट कंट्रोलर। अच्छा जी, आपके घर में जो रिमोट होते हैं उनमें आपके पास जो वेव्स यूज़ होती हैं वो आपके पास कौन सी होती हैं, आपके पास इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स आपके टेलीविजन का जो रिमोट होता है उसमें यूज़ होती है, ऑप्शन बी। नाइन वाला पढ़ते हैं, द कलर दैट इज़ लीज डेविएटेड बाय अ प्रिज्म। अच्छा जी क्या है, आपके पास प्रिज्म है, प्रिज्म आपने पढ़ा है, उसमें क्या होता है, हम लोग जब लाइट को हम डालते हैं यहाँ से, पूछ रहे कौन सी लाइट सबसे कम डेविएट हो रही है, मतलब कि ऐसे मतलब कि बेंड हो रही है, मैं ये नहीं है डायग्राम से जब मैं समझा रहा हूँ, ये देखें ये डेविएट हो रही है, तो कौन सी लाइट सबसे कम डेविएट होगी, वो आपके पास कौन सी होगी, रेड लाइट। देखें आपने ये पढ़ा है जो रेड लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो सबसे कम डेविएट हो रही है, तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा डेविएट हो रही है वो कौन सी है, आपके पास वायलेट लाइट है, वो सबसे ज़्यादा डेविएट हो रही है, इसका मतलब यह है उसकी स्पीड कम है, रेड लाइट की स्पीड ज़्यादा है इसलिए वो लीज डेविएट हो रही है, तो आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो ये आपको याद रखना है। आपका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द ऑप्टिकल फिनोमेना इन विच द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इन टू सेवन डिस्टिंक्ट कलर अकर्स इज कॉल्ड। अच्छा जी, ऑप्टिकल फिनोमेना इन विच द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इन टू सेवन डिस्टिंक्ट कलर। प्रिज्म का ही बात करें, प्रिज्म में जब न्यूटन साहब ने क्या किया था, प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने उसमें से वाइट लाइट को गुजारा था, तो वाइट लाइट सात मुख्तलिफ रंगों में कन्वर्ट हो गई थी, तब्दील हो गई थी, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, डिस्पर्जन का फिनोमेना कहलाता है। डिस्पर्जन का मतलब ये होता है कि फैलना, तो लाइट एक तरह से फैल गई, वाइट लाइट बहुत सारे कलर्स में फैल गई ना, तो यही आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी।